सभी छात्र छात्राओं को मेरा जय हिंद। भारत और चीन के बीच में जो तनाव उत्पन्न हुआ है, भारत की सीमा पर जो सैनिक शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूँ और एक बार फिर से नमन करता हूँ। आज हम देखेंगे कि क्या है एक्चुअल भारत और चीन की सीमा। भारत और चीन की सीमा वैसे काफ़ी बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में ये विवाद कहाँ हुआ है, ठीक है ना। लद्दाख में लगती है ये सीमा, लद्दाख में लगती है और सिक्किम में लगती है, जहाँ पिछले दिनों डोकलम विवाद आपने सुना होगा, और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में लगती है, हिमाचल प्रदेश में लगती है, उत्तराखंड में लगती है। तो ये जो विवाद हुआ है ये लद्दाख क्षेत्र में हुआ है, ठीक है ना। मैंने पिछले लेक्चर में कुछ 7-8 दिन पहले मैंने आपको ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप समझाया था, ठीक है ना। इसमें कहाँ पे लद्दाख है, कहाँ अक्साई चिन है, कहाँ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। तो आज एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर का मैप है ये कुछ ऐसा है। ये जो एरिया है ये पूरा है लद्दाख, ये वाला पूरा, ये पूरा हम लद्दाख में गिनते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ये वाला जम्मू एंड कश्मीर और ये लद्दाख। लेकिन वास्तविक स्थिति यहाँ की मैंने भिन्न बताई थी कुछ, क्या कि एक्चुअल में जो हमारा हिस्सा है वो ये है, ये वाला, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और ये है आज़ाद कश्मीर, ये दोनों पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं हम सक्षम घाटी, ये पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दिया है, ठीक है ना। ये जो है रेड कलर का ये बोलते हैं अक्साई चिन, ठीक है। इसको 1962 की लड़ाई में चीन ने ले लिया था। और ये वाली जो रेखा है ये, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक, ये है एक्चुअल में LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। और जो ये विवाद हुआ है वो है यहाँ का, ये वाला, ठीक है ना। इसको हम समझेंगे एक्चुअल में और डिटेल में जानेंगे कि क्या है यहाँ का स्थिति, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। देखिए ये है लेह, यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो लेह से लेके यहाँ तक ये सियोक नदी के सहारे सारे दौलता बेग ओल्डी तक ये रोड बनाया है हमने, ठीक है ना। यहाँ से लेह से लेके ये इधर श्रीनगर पड़ेगा इस साइड में, यहाँ पे ये कारगिल और ये लेह, ठीक है ना। तो ये पूरा लेह से लेके ये रोड बनाया हमने, न्यू रोड है ये न्यू रोड लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये अभी अभी बनाया भारत ने, रिसेंटली कंप्लीटेड इन बाय इंडिया, ठीक है ना। ये न्यू रोड बनाया है। और कौन सी नदी के सारे सारे, सियोक नदी है एक, ठीक है ना, उसके समांतर बनाया है ये रोड, ठीक है ना। अब सियोक नदी किसकी सहायक नदी है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये करंट से रिलेटेड इशू है और बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो सिंधु नदी कुछ ऐसे, ये सिंधु नदी जा रही है ये, ठीक है ना, इंडस रिवर। और सियोक नदी इसमें आके ये मिल जाती है इधर से, ठीक है ना, ये इधर से सियोक नदी मिल जाती है। और इसी के सारे सारे हमारा ये हमने रोड बनाया अभी यहाँ तक, कहाँ तक, दौलता बेग ओल्डी तक, ठीक है ना। दौलता बेग ओल्डी एक नगर है और ये जो है काराकोरम दर्रा यहीं पे स्थित है, ठीक है ना।
और ये सारा क्षेत्र पड़ता है ये सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअल में वो ये है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने अभी बताई थी ये, ठीक है ना। अब देखिए इस मैप में कुछ नज़र आ रहा है आपको कि ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल और रोड ये आपस में मिले हुए हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल और इस हमारे रोड के बीच में कम से कम 8 किलोमीटर का गैप है, 8 किलोमीटर का गैप है, लेकिन ये मैप में काफ़ी क्लोज दिखाई दिए हैं, ये 8 किलोमीटर का गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं हम, यहाँ से एक नदी आई है, यहाँ से एक नदी आई है इधर से चाइना की तरफ से, ठीक है ना, ये इधर से, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं गलावन नदी, ठीक है ना, और इसी को हम बोलते हैं गलावन घाटी, ठीक है। तो ये जो नदी है, ये गलावन नदी जो है, ये यहाँ पर सियोक नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये सियोक नदी मैंने अभी बताई थी, इसके सारे सारे ये रोड गया है, ठीक है ना। और यहीं पर है पोस्ट 14 चाइना की, ठीक है ना, इधर से गलावन नदी आई है और सियोक नदी में मिल जाती है। तो मैंने बताया गलावन जो नदी है, ठीक है ना, गलावन नदी है वो किसकी सहायक नदी है, सियोक नदी की सहायक नदी है, और सियोक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो बात है इस संगम की, ठीक है ना, यहाँ पर है 8 किलोमीटर का गैप इस रोड और LOC के बीच में, ठीक है ना। लेकिन एक बात और याद रखना आप, ये गलावन नदी इधर से आई है, ठीक है ना, ये गलावन नदी जो इधर से आई है, इसी के सहारे चाइना ने एक रोड डेवलप किया है, ठीक है ना, इसी के सहारे चीन ने एक रोड डेवलप किया है, ठीक है ना। तो हुआ क्या है कि ये चाइना का जो रोड है वो LOC के एकदम मिला हुआ है, LOC पर, ठीक है ना। तो ये जो चाइना है, अगर कोई दिक्कत होती है तो चाइना क्या करता है, बाई रोड LOC तक गाड़ियों से आ जाता है, ठीक है ना, जो सेना के जो ट्रक होते हैं उनसे आ जाते हैं उनके सैनिक, लेकिन हमारे सैनिकों को यहाँ पर 8 किलोमीटर का गैप होने के कारण, 8 किलोमीटर का गैप होने के कारण यहाँ से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है इस रेंज में यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमने रोड जो है वो LOC से सटा के नहीं निकाला है, ठीक है ना, LOC से सटा के नहीं निकाला है, उसके बीच में गैप है 8 किलोमीटर का LOC और हमारे रोड के बीच में, ठीक है ना। तो हमें ये दिक्कत होती है यहाँ पे, हम जब रोड बना रहे थे तब चाइना के जो सैनिक हैं वो यहाँ तक, मतलब उन्होंने काफ़ी कुछ अमाउंट में अपने सैनिक एकत्रित कर दिए थे और आपत्ति भी जताई थी, लेकिन खुद बना रहे हैं रोड और हम क्यों नहीं बनाएंगे, हम अपनी ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं दे सकते, ये भारत लेगा नहीं किसी का तो अपना देगा भी नहीं, ठीक है ना। तो आइए अगले मैप में और एक बार और समझ लेते हैं। ये देखिए, ये एक और मैप लाया हूँ मैं आपके लिए, ये इंडस रिवर है, ठीक है ना, यहाँ पे ये लेह है, लेह, और ये जो है ये सियोक नदी है, यहाँ से ये सियोक नदी आई है, ठीक है ना, ये सियोक नदी की सहायक नदी है, ये सियोक नदी इंडस रिवर की ये सहायक नदी है, ठीक है ना, और यहाँ से ये गलावन नदी इसमें मिल जाएगी सियोक नदी में। अब देखिए इसमें अलग अलग दिखाया गया है इस वाले मैप में, ये सियोक नदी के सारे हमने रोड डेवलप किया है लेह का, और ये सियोक नदी है, और ये है LOC, ठीक है ना। तो चाइना ने यहाँ तक रोड डेवलप कर लिया, हमारा रोड यहाँ से निकला है, ठीक है ना, और इस रेंज को बोलते हैं पोस्ट 14, ठीक है, और यहीं की वो लड़ाई है जो कल हुई है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या क्या याद रखेंगे इसमें, सियोक नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना,
और ये लद्दाख रेंज, ये जो सिंधु नदी किसके किस किस रेंज के बीच में बहती है, ठीक है ना, पहाड़ियों की रेंज है यानी श्रृंखलाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और ये है लद्दाख पर्वत श्रृंखला। ये एक मिनट दोबारा से बताता हूँ, ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और नीचे है जोस्कर श्रेणी, जोस्कर पर्वत श्रृंखला, और ये तीनों ट्रांस हिमालय के हिस्से हैं, ठीक है ना, किसके, ट्रांस हिमालय, ठीक है। हिमालय मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद में क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इंडस रिवर है वो लद्दाख यानी लद्दाख रेंज और जोस्कर रेंज के बीच में बहती है, ठीक है ना। ये लद्दाख रेंज है, ये जोस्कर रेंज है इधर, और ये सिंधु नदी बहती है ये, ठीक है ना, और इसी की सहायक नदी है श्योक रिवर, ठीक है ना। ये श्योक रिवर आके इसमें मिल जाती है सिंधु नदी में, और इधर से ये गलावन नदी आती है, ये इसमें मिल जाती है किसमें, श्योक रिवर में, ठीक है ना। इसके बाद ये अपना जो रोड है वो कहाँ से कहाँ तक है, लेह से लेके दौलता बेग ओल्डी तक, ठीक है ना। दौलता बेग ओल्डी कहाँ पे है, काराकोरम दर्रा, ये काराकोरम दर्रा है, ठीक है ना। दर्रा मतलब दो पहाड़ हैं ये, इस तरीके से दो पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, और इनके बीच में होके जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। तो ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रे के पास में दौलता बेग ओल्डी है, ठीक है ना। दौलता बेग ओल्डी तक हमने रोड का निर्माण किया था अभी हाल ही में, ठीक है, और वो सियोक नदी के सारे सारे स्थित है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, और आगे की बातचीत हम देखते हैं। ये कारगिल है, मैंने आपको बताया था कारगिल, ये बिल्कुल पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान की सीमा पर स्थित है ये, कारगिल की जो जंग हुई थी। और इधर जो हमारा ये इधर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर पड़ जाता है, श्रीनगर से कारगिल से लेकर और ये लेह तक तो पहले ही रोड था, ठीक है ना। जो श्रीनगर यहाँ से इधर से हम इधर से एक रोड कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, श्रीनगर तक, और श्रीनगर से कारगिल तक, और कारगिल से लेह तक, और लेह से लेके दौलता बेग ओल्डी तक हमने अभी हाल ही में रोड डेवलप किया है, ठीक है ना। उस पर चीन को कई सालों से आपत्ति है, ठीक है, इसीलिए उसने अपनी सेना एकत्रित कर दी थी। तो इस वाले में गैप को बता रहा था, वो 8 किलोमीटर का गैप है, वो सियोक नदी से, सियोक नदी के सारे सारे जो रोड डेवलप किया है, और ये है LOC, ठीक है ना। ये वाला जो गैप है ये 8 किलोमीटर का मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक चीन के सैनिक तो आराम से आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो रोड है वो LOC से बिल्कुल कनेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन हमारा जो रोड है वो LOC से 8 किलोमीटर पीछे हमने निकाला है। तो इसका मतलब क्या है, हम तो अपनी हद में हैं लेकिन चीन अपनी हद में नहीं है, उल्टा वो भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत अपनी हद में नहीं है। तो ये चीन का बहुत ही दोगलापन है, हम सब इसकी निंदा करते हैं, और हम अपनी ज़मीन का एक एक कतरा नहीं देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे, लेकिन अपनी ज़मीन का एक भी कतरा नहीं देंगे। जय हिंद सभी छात्र छात्राओं को, और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना जो मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद।